बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंगलवार को वैशाली, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और सारण जिले के बारिश से प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। हवाई सर्वेक्षण के बाद पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले से जो प्रभावित इलाके हैं और इसके अलावा जो प्रभावित हुए हैं उन सबकी राहत एवं सहायता के लिए मदद की जाएगी। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन को लेकर शुरू से हम लोग राहत के लिए काम करते रहे हैं। 4 माह हम इन चीज़ों को लेकर पूरी तरह अलर्ट रहते हैं। अगर कोई कहीं समस्या उत्पन्न होती है तो लोगों की सहायता की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस दौरान महागठबंधन में जारी टूट, बिहार विधानसभा में होने वाले उपचुनाव और लालू यादव के चुनाव प्रचार करने के सवालों का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में NDA गठबंधन पूरी मजबूती से चुनाव मैदान में है। अब फैसला जनता को लेना है, हम लोग कोई तरह का दावा नहीं करते हैं। वहीं लालू यादव के विधानसभा उपचुनाव में प्रचार के सवाल पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी अपनी इच्छा है, वो जो चाहें करें। सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कहा। गठबंधन में टूट की खबर है, ऐसा लग रहा है कि RJD और कांग्रेस दोनों अलग हो गए हैं। अब ये तो आप ही लोग जो छाप रहे हैं, जो खबर आ रही है उसी के बारे में सुन रहे हैं, लेकिन हर पार्टी का तो अपना अपना हिसाब होता है, तो जो करना है लोग कर रहे होंगे, लेकिन तरह तरह की बात भी लोग बोलते रहते हैं। सर, बिहार में कई ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो सजा याफ्ता हैं, दोषी करार हो गया, वो सजा काट रहे हैं और उन्हें पेंशन दिया जाता है विधानसभा के द्वारा, क्या नैतिकता के आधार पर इसे आप सही मानते हैं, पेंशन देना किसी भी सजा याफ्ता को? देखिए, पेंशन का देने का तो एक अलग नियम है, लेकिन जो आप बोल रहे हैं कि कोई सजा याफ्ता है कुछ भी है, तो उनके लिए तो एक अलग से है ही बना हुआ। कोई सजा याफ्ता है तो उसके बारे में तो अलग चीज़ है, लेकिन कोई भी जन प्रतिनिधि रहा है तो उनको जो कुछ भी मदद मिलती है वो मदद दिया जाता है, वो तो आप सबको मालूम ही। 2 सीटों पर सर आपकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, फिर से सामने वाले लोगों की पार्टी लड़ रही है और पूरा NDA एकजुट है, सब लड़ रहे हैं और अब तो जनता को फैसला लेना है। लालू जी भी आगे कर रहे हैं कि हम लोग जीत रहे हैं, फिर से दावा हो रहा है कि ये कोई दावा करता, हम लोग कभी कुछ बोलते हैं? रोजगार का मुद्दा फिर से कौन कौन क्या बोलता रहता है, किस भाषा का प्रयोग करता है, कुछ लोगों की आदत है अपना बोलते रहते हैं और जनता मालिक है। आप तो जानते हैं कि वो दोनों सीट सब हाल में भी तो JDU जीता था, हम लोगों की पार्टी जीती थी और पूरा NDA ने मिल करके तय किया, एक साथ घोषणा किया और आज ही के दिन दोनों जगह नॉमिनेशन का तय किया, तो सब लोग मिल करके सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, लगेंगे और जो जनता मालिक है वो फैसला करेगी। करे अपने कौन रोके हुए, क्या करेंगे वो तो भाषण देंगे, क्या करेंगे उनकी अपनी इच्छा है ना, जेल से भी तो काम करते ही रहते हैं, तो उससे क्या खींचेगा, क्या चलिए।